अस्सलाम वालेकुम, मैं फहमीदा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मूली, जिसके लिए हमने किलो मूली ले ली है, जिसको धोकर बारीक बारीक काट लिया है। हमने कुकर ले लिया है, अब हम इसमें कुकर में इन्हें उबालेंगे और 4 से 5 सीटी लगा देंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसमें 4 से 5 सीटी लगा देंगे। देखिए हमने मूली उबाली है और उबाल के निचोड़ ली है इनको, इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने ये सब मसाला लिया है, ये साबुत धनिया है, ये कटा हुआ लहसुन है तड़का लगाने के लिए, और ये मिर्च है, अदरक है, ये हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, नमक है, ये हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये सूखे मसाले डाल देंगे हम इसमें, धनिया लहसुन का तड़का लगाएंगे, ये इसमें अदरक मिर्च बारीक बारीक कटी हुई अच्छी लगती है। 1.5 चम्मच तेल डाल दिया है, अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। धनिया को ब्राउन होने देंगे, इसके बाद लहसुन डाल देंगे, हम इसमें लहसुन डाल देंगे, दोनों को अच्छे से ब्राउन होने देंगे। ब्राउन होने तक भूनेंगे, हींग डालने से मूली बाई नहीं करती। ये हमने हींग डाल दिया है, अब हम इसमें मूली डाल देंगे, थोड़ा सा तड़का और करेंगे। अभी तड़का हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसमें मूली डाल देंगे और इसको खूब अच्छे से भूनेंगे करेंगे। इतना भुनेंगे इतना अच्छा है, इसको इसका कच्चा पन खत्म हो जाना चाहिए, भूनते भूनते इतना भुने इसको। इसमें खूब अच्छे से भुनाई करेंगे, कम से कम 10 मिनट, जब इसका पूरा कच्चा पन खत्म हो जाएगा फिर जहाँ से भुने इसको चलाते रहें लगातार, चम्मच चला देते नहीं तो लग जाएगी। तैयार है हमारी मूली की भुजिया, अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तैयार है हमारी गर्मा गर्म मूली की भुजिया, आप इसे रोटी से खाएं, पराठे से खाएं, नाश्ते में खाएं, ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप भी बनाएं, ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।